बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बनाऊंगा अंडा बिरयानी, वो भी कुकर में। ये बनाना बहुत इजी है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी हमारी। हमने यहाँ पे 6 बॉयल्ड एग लिए, उसमें हम डालेंगे आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच कश्मीरी चिल्ली और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडों में पहले से हमने शीरा लगा दिया है ताकि इस मसाले इसके अंदर तक जाएं। मैं इस तरह से चीरा लगा दिया पहले से सभी अंडों में। इसके बाद हमने एक कुकर लिया है, उसमें 4 टेबलस्पून हमने ऑयल डाला है। ऑयल हमारी गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम अंडे को डाल देंगे और इसे फ्राई करेंगे। और इसे हम चलाते रहेंगे बीच बीच में ताकि अंडे हमारे चिपक ना जाएं या फिर जले नहीं। फ्लेम को हमें मीडियम रखनी है। अंडा हमारा रेडी हो चुका है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े प्याज, और इसे हाई फ्लेम में तकरीबन 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे क्रिस्पी होने तक। ऑनियन को स्लो फ्लेम में हमें नहीं पकानी है, हमें इसे हाई फ्लेम में भूनना है ताकि ऑनियन क्रिस्पी हो जाए। अगर हम इसे स्लो फ्लेम में भूनेंगे तो ऑनियन हमारी सॉफ्ट हो जाएगी, क्रिस्पी नहीं होगी, क्योंकि हमें गार्निश के लिए क्रिस्पी ऑनियन चाहिए। ऑनियन हमारी क्रिस्पी हो चुकी है, तो आधी ऑनियन को हम निकाल कर रख लेंगे एक प्लेट में गार्निश के लिए। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 दालचीनी, 3 तेज़पत्ते, इलायची 3, 4 लौंग, 2 चिल्ली, 1 बड़ा टमाटो चॉप किया हुआ और इसे हमें सॉफ्ट होने तक पकानी है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल चिल्ली पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच। इसके बाद डालेंगे हम नमक, हमने यहाँ पर 1.5 चम्मच नमक का यूज़ किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। इसके बाद हम इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर ज़रूरत हो तो आप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें टमाटो और मसालों को पकानी है अच्छी तरह से, जब तक ये ऑयल ना छोड़ना शुरू कर दें। इसे हम ढक देंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ढक के पकाएंगे। 3 मिनट हो चुका है हमारा, टमाटो हाफ डन हो चुकी है, लेकिन हमें इसे फुल कुक करना है। हम थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड कर रहे हैं क्योंकि मसाला हमारा चिपकने लगा था। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच दही, 6 पुदीना, थोड़ी सी और डालते हैं पुदीना हम। उसके बाद चॉप धनिया। इसके बाद हम सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। और मसालों और दही को अच्छी तरह से पकाएंगे। अगर
अगर मिंट की फ्लेवर आपको ज़्यादा अच्छी लगती है तो और भी मिंट आप यूज़ कर सकते हो। तो मसाले हमारे ऑलमोस्ट पक चुके हैं सारे। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे बासमती राइस जो हमने पहले से भिगो के रखी है। पहले हम आधी राइस डालेंगे, इसे हम लेबल कर लेते हैं पहले। इसके बीच में हम डाल देंगे अंडे। और इसके बाद बाकी बची हुई राइस हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसके बाद ऐड कर देंगे हम थोड़ी सी धनिया और थोड़ी सी पुदीना। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी। हमने 1.5 कप यहाँ पे राइस लिया है तो हम 2 कप पानी डालेंगे, राइस से थोड़ी सी ज़्यादा क्योंकि ये हमारी बासमती राइस है तो इसे पकने के लिए ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे फ्राइड ऑनियन और रोज़ वाटर 1 चम्मच। देसी घी 1/2 चम्मच। और इसे ढक्कन लगा के 2 सीटी आने तक पकाएंगे हम इसे। 2 सीटी आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और सारा गैस निकलने का वेट करेंगे। ये देखिए 2 सीटी हमारा हो चुका है, सारी गैस भी निकल चुकी है। अब इसे हम ओपन करेंगे। ये देखिए बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए बिरयानी के दाने हमारे कितने खिले खिले और फ्रेश लग रहे हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे फ्राइड ऑनियन और थोड़ी सी चॉप धनिया की पत्ती और इसे रायते के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।